सिंध क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन के हार्दिक स्वागत करी थे। हमरे या यूट्यूब चैनल के एक नई सीरीज शुरू हो रही है, सीरीज है सलाखे अपराधिन खातिर सही जगह। अपराध जगत से जुड़ी हर खबर अपना का जरूर मिली, यह हमार वादा है। और अपराध जगत माँ अपराधी के यदि देखी जाए तो सही जगह सलाखे हैं, सलाखन के पीछे उनका अवश्य पहुँचावा जाए चाहिए। कहे कि यदि अपराधी अपराध कह के खुलेआम समाज में रही ही तो नए अपराध का जन्म कब दे सकत है, जौने के खतरा समाज का लगातार बना रहा था। आज कहानी है सीधी के, और सीधी माँ चुरहट के, चुरहट के एन एच उनतालीस के रोड से लगी जमीन जौने का पुलिस थाना खितिर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के द्वारा आवंटित कीन गए रही पुलिस थाना खितिर। किंतु पुलिस थाना त दूर हुआ, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ओकर अन्य लोगन का सौदा कई दिन का मामला 2017 के, जब आरटीआई कार्यकर्ता संजय पांडे के द्वारा या आरटीआई लगाई गए कि उक्त जमीन के कराए। आरटीआई कार्यकर्ता का दस्तावेजन के रूप में जानकारी मिली कि उक्त जमीन पुलिस विभाग के आए, फिर कह रहा ओमा आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा लगातार प्रयास किएगा और अंततः पुलिस ओमा आई और आरोपी व्यक्ति विजय गुप्ता नाम याद रखब, कहे कि आगे विजय गुप्ता के कईक बे जिक्र हुई। विजय गुप्ता के ऊपर धारा 467 और 420 के तहत मामला दर्ज किएगा, जौने में राजस्व अधिकारी और कई लोगन के ऊपर यह पूरा मुकदमा दर्ज किएगा। अब अपना का हम एका विस्तार से बताए थे। विजय गुप्ता यदि अपना सर्रा से पेट्रोल पंप तक पहुंची तो पेट्रोल पंप के समीप के जमीन, पेट्रोल पंप के जमीन ता कुछ व्यक्ति विशेष के आए, किंतु ओके बगल के जमीन पुलिस थाना खितिर आवंटित कीन गए रही। किंतु ओका विजय गुप्ता के द्वारा कूट रचित दस्तावेज और राजस्व अधिकारी के मिली भगत से वह जमीन का हड़प लेनगा और ओमा यहाँ तक की प्लाटिंग कराए दिन गए। किंतु आज 2019 मामला 2017 दुई साल बीत चुके हैं, आरोपी व्यक्ति विजय गुप्ता आज तक सलाखन के पीछे नहीं पहुंचा है। कहे कि यह में अपराध यदि देखा जाए आम आदमी के द्वारा गिन जात तो आज वह निश्चित जेल के हवा खात हो। किंतु विजय गुप्ता कहे नहीं के दुई साल में जेल, एकर हम पड़ताल करे के प्रयास करें तो जानकारी लगी कि बड़े नेता के सरमाहाथ है। मध्य प्रदेश में बड़े कद के नेता चुरहट के एक तरीके से देखा जाए तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के सरमाहाथ है और विजय गुप्ता कांग्रेस के एक ब्लॉक के बड़े नेता माने जाते हैं, जौने के चलते आज तक यह व्यक्ति सलाखन से दूर है। यदि ये माना जाए कि आम आदमी अपन राजस्व अधिकारी के लगे जाए के काम करावे के खातिर वहाँ के चौखटन में आबत जात ओकर चप्पल घिस जाती, किंतु पैसा के दम्मा दूसरे के जमीन कैसा हथियाई जाती या विजय गुप्ता से सीखा जा सकत। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे फिर से हम अपराध से जुड़ी एक बड़ी खबर लेके आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखी पुलिस और आरटीआई कार्यकर्ता के बयान। एमा हमारा मानव यह है कि चूंकि यह मामला कलेक्टर महोदय के पास पड़ा ला है और यह तत्कालीन कलेक्टर है अभय वर्मा, दिलीप कुमार और वर्तमान अभिषेक सिंह जी के न्यायालय में पड़ा ला है। पुलिस में चूंकि
सोमोटो के तहत आवेदन कहे कि हमार जमीन हमको वापस कीन जाए, लेकिन वो माँ जो उन्हें पेशी पर पेशी दीन जा रही है। एक अलावा वे पुनः हम 18 जून का जो उन्हें शिकायती पत्र प्लस पुलिस विभाग के जितने रिकॉर्ड के रहे सबका कलेक्टर साहब का हम दहन जो उन्हें कलेक्टर साहब SDM का पुनः पत्र लिखी नहीं, लेकिन अब तक वहाँ कोनो कार्यवाही नहीं की जा रही है। और यह मामला का हम जो उन्हें 2017 में जो उन्हें गृह मंत्री मुख्यमंत्री DGP IG SP SDOP TI सबका दहन TI साहब का जो उन्हें यह संज्ञान में जब मामला आवा तो उस समय जो TI रहे यह मामला का गंभीरता के लगे का जांच की तो जांच में सही पावागा कि ये पुलिस विभाग का जमीन आवंटित भई रही और एकर ओरिजिनल फाइल जो उन्हें 83 के बस्ता से 86 के बस्ता में छुपाए दीन गई रही। तो जौने में यह कहा जाता रहा कि यह प्रकरण क्रमांक में जौन है तो बाण सागर का बुड़गौना में जमीन लाठी वे, जबकि जब सामने तथ्य आवा जाँच में तो फाइल मिली, फाइल में 20/10/83 का पुलिस विभाग का जमीन आवंटित कीन गए। जौने में उस समय जो TI हन रहे तो उन्हें तो आरोपी के खिलाफ 467 के मामला पंजीबद्ध करीन और 420 के मामला पंजीबद्ध कह दीन और उनका विवेचना में लें। हाँ वरिष्ठ जौन अधिकारी हैं उनके हमारे हिसाब से दबाव के वजह से यह मामला जो उन्हें आगे नहीं बढ़ रहा ना आरोपी की गिरफ्तारी हो रही, क्योंकि हम 1.5 दर्जन से ऊपर जो उन्हें था अपराधी हम आए में राजस्व विभाग और भू माफिया BA गुप्ता के साठगांठ से यह सब्बा है। अब BA गुप्ता उतने नहीं करे, यहीं एक पुरान सड़क रही है जो उनके 575 नंबर रहा बंदोबस्त में हुआ 116/13 बना ओग BA गुप्ता पट्टा कराए कि वह टंकी बनाए हैं और कुछ जमीनों बिक्री हो चुकी है वह ओग मामला जो उन्हें तुम उठावे वाले हैं। तो कहा यह मामला और कौन सदन में है? हाँ यह मामला विधानसभा में हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक सरदेन तिवारी जी यह विधानसभा में प्रश्न लगाए हैं जो उन्हें हमारे राजस्व मंत्री द्वारा 16/7 का जवाब दे के डेट हवे। वर्ष 2017 में इसमें एक प्रकरण दर्ज है और प्रकरण की विवेचना भी थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। इसमें कुछ दस्तावेज जो धोखाधड़ी के मामले के लिए जरूरी होते हैं वो और जुटाए जा रहे हैं और जैसे ही ये दस्तावेज मिलते हैं तो तत्काल आरोपी गिरफ्तार की जाकर और जो जमीन सुपुर्द की कार्रवाई है वो कलेक्टर के माध्यम से हम करवाने का प्रयास करेंगे। पुलिस के घर में ही चोरी हो रही है, मतलब ये क्या इसको समझा जाए कि मतलब पुलिस अपने ही घर पे चोरी को नहीं रोक पा रही है? जमीनी मामले जो होते हैं वो अभिलेखों पर आधारित होते हैं और जैसे ही अभिलेख हमारे पक्ष में हो जाएंगे और उसका उनका वहां कब्जा करना साबित हो जाएगा तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और वो जमीन जो है पुलिस के कब्जे में आ जाएगी। ये सारी कार्यवाहियों में अभी कितना वक्त लग जाएगा? ये करीब इसमें 6 माह और लगेंगे।